मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि भगवान श्री राम जी के पुत्र कुश उनके द्वारा बसाया गया ये शहर, ये नगर, ये पवित्र नगर जिसको आप सब लोग कुश भवनपुर के रूप में भी जानते हैं, ऐसी धरती के सभी सज्जन वृंद को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। मित्रों, यह महर्षि वाल्मीकि और ऋषि दुर्वासा की भी तपोस्थली रही है और इसके साथ साथ यहां पर मां भवानी के मंदिर, जो पूज्य मंदिर जिनकी हम सब लोग आराधना करते हैं, ऐसे पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं पुनः इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं। यह क्रांतिकारी भूमि भी है, वीरों की भूमि भी है। यहां आऊं और अब्दुल हमीद को याद न करूं, यहां आऊं और मंगल पांडे को याद न करूं, यहां आऊं और सुहेलदेव सिंह जी की कर्मभूमि को याद न करूं, तो शायद मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। ऐसी भूमि को मैं आशीर्वाद भी लेता हूं और नमन भी करता हूं। ये साहित्यकारों की भी भूमि है। हमारे लोकप्रिय जनकवि रमाशंकर यादव जी, जिन्हें हम विद्रोही के रूप में जानते थे, या फिर हमारे पूर्व छायावाद युग के राम नरेश त्रिपाठी जी हों, चाहे कवि त्रिलोचन शास्त्री जी हों, यह भी इस भूमि से उन्होंने भी साहित्य की बहुत बड़ी सेवा की। ऐसे महान साहित्यकारों को भी मैं यहां आकर के नमन करता हूं और उनसे प्रेरणा लेता हूं। मित्रों, चुनाव की बेला है और चुनाव के दौरान हर तरीके की बातें सुनने को मिलती है। हर पार्टी लोभ लुभाने वाले वायदे लेकर के आ जाती है। हर पार्टी, हर नेता नए नए वायदे करता है। मैं ये तो जानता हूं कि यहां बैठे लोग इतने धूप में, इतनी कड़ी धूप में अगर मुझे सुनने के लिए आए हैं, तो उन्होंने तो मन बना लिया है कि उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वो वोट देने के मन से आए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपके माध्यम से मैं आपसे नहीं, आपके माध्यम से सुल्तानपुर की तमाम जनता से वोट मांगने के लिए आया हूं। और जब मैं वोट की बात करता हूं, तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, कभी किसी को इस आधार पर वोट मत देना कि वह आगे क्या करेगा। किसी पार्टी को इस आधार पर मत देना कि वह आगे क्या करने वाली है। वोट का आधार यह होना चाहिए कि पीछे उस पार्टी ने क्या किया है, वही तय करेगा कि वह आगे क्या करने वाले हैं इस काम को। और जब मैं ये कहता हूं, तो ये हमारे ही नेता हैं जो छाती ठोक करके सुल्तानपुर की जनता के सामने जाकर कह सकते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी भी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के नहीं आती है, हमेशा नए नए नारे लेकर के आती है। ये हम ही हैं जो कहते हैं कि जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। ये हमारा दम है। आप बताइए, आज अयोध्या में दीपोत्सव मनता है। आप बताइए कि आज भव्य कुंभ होता है कि नहीं होता है। दुनिया में कुंभ का नाम होता है कि नहीं होता है। दीपोत्सव का नाम होता है कि नहीं होता है। कृष्णा उत्सव के रूप में, कृष्ण उत्सव के रूप में मथुरा जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है। और उसी तरीके से वाराणसी में देव दीपावली होती है कि नहीं होती है। ये पहले किसने रोका था? क्यों अयोध्या
सुननी पड़ी थी। क्यों दीपोत्सव नहीं होता था, क्यों भव्य कुंभ नहीं होता था, क्यों कुंभ की गलत गलत कहानियां आती थी। आज कृष्णा उत्सव कृष्ण उत्सव क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब नेतृत्व तो सही होता है तो जनता को भी सही दृष्टि मिलती है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। और इसीलिए मैं ये आप सबको बताने आया हूं। मित्रों, मैं युवा साथियों का जोश समझ सकता हूं, लेकिन मेरे होश को भी जरा ध्यान में रखो। मैं ये बताना चाहता हूं, यह पार्टी सिर्फ विनोद जी को, सीताराम जी को, ओम प्रकाश पांडे जी को, राजेश गौतम जी को, रामप्रसाद जी को विधानसभा में पहुंचाने के लिए नहीं आई है। यह पार्टी इनको विधायक इसलिए नहीं बनाने आई है कि इनको विधायक बनाना है। यह पार्टी इसलिए इनको विधायक बनाना चाहती है क्योंकि इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलनी चाहिए, इस बात के लिए आई है। बताइए, समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? चलाई थी कि नहीं चलाई थी? बताइए, कांग्रेस पार्टी ने यही राम जन्मभूमि को अटकाया था, भटकाया था, लटकाया था कि नहीं? लटकाया था कि नहीं? कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में बोलते थे कि इसका फैसला ना होने दो, इसका फैसला होगा इसको अटका दो, इसका फैसला हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। अरे, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना था, तुम बीजेपी का फायदा नुकसान देख रहे थे, तुम लटका रहे थे। आजकल ये दीगर बात है कि राजनीति में तुम लटक गए, अटक गए और भटक गए, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अब भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है, ये भी हमको याद रखना है। हमारे नेता भी बोल रहे थे, विनोद सिंह जी ने थोड़ी देर में जो चर्चा की, उन्होंने बातचीत की, विकास की। अरे मित्रों, यही देश था ना जहां एक भारत का प्रधानमंत्री बोलता था कि 100 पैसा भेजता हूं, 100 रुपए भेजता हूं तो 15 ही पहुंचता है। आज मोदी जी ने 45 करोड़ जनधन खाते खोलकर, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, उनके खाते में बिना बिचौलिए के सीधे भारत सरकार का पैसा पहुंचाने की योजना की है। अब जनधन खाते में 100 रुपया उनके खाते में जाता है, यह है अंतर। इस अंतर को समझो, गरीब कितना सशक्तिकरण हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा सीधा जाता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के सीधा उन तक पहुंचता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधी उन तक पहुंचती है, कोई बिचौलिया नहीं, कोई बीच में नहीं। और योजनाएं, सौभाग्य योजना उठा लो, अरे मोदी जी का इंतजार करना पड़ा। 18,000 गांव ऐसे थे जिनको बिजली नहीं थी। मैं 2012 के चुनाव में आया था, मैं 2012 के चुनाव में यहां पर प्रचार करने के लिए आया था। मैंने सबको कहा कि भैया मेरे को सूर्यास्त से पहले ही घुमा लो गांव, उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है। तुम मेरे आगे ये 100 ऊर्जा लेके चलते हो, पता नहीं मैं नाली में गिरूं, कहां गिरूं समझ में नहीं आता, सड़क कहां होगी खत्म होगी मालूम नहीं, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। ये उत्तर प्रदेश मैंने अपनी आंख से 2012 में देखा है। और आज हमारे लोग बोलते हैं 16 घंटे नहीं, 24 घंटे बिजली चाहिए, 24 आवर्स, 24 घंटे। 18,000 गांव को बिजली दी है, 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाई है, तो मोदी जी ने पहुंचाई है, योगी जी ने पहुंचाई है, इस बात को याद करना। मित्रों, याद करो 2014 के पहले गरीब आदमी की स्थिति क्या थी। स्थिति, अगर किसी गरीब आदमी के यहां किसी को कैंसर हो गया, अगर किसी गरीब आदमी के यहां किसी को दिल की बीमारी हो गई, तो नेता लोग एप्लीकेशन लेकर के मुख्यमंत्री के द्वारे जाते थे और प्रधानमंत्री के द्वारे जाते थे, कहते थे इसका इलाज करा दो, इसके पास पैसे नहीं है, और फिर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उसको राहत देने की कोशिश करते थे। लेकिन
गरीब आदमी का गांव में खेत बिक जाता था, मकान बिक जाता था। क्या ये स्थिति थी कि नहीं थी बताओ? ठीक नहीं थी? मोदी जी ने आयुष्मान भारत पे 50 करोड़ लोगों को, यानी भारत की 40% आबादी को गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए हर साल 5-5 लाख रुपए प्रति परिवार दिया है। ये भी हमको याद रखना। चंद में नहीं आया हूं, किस तरीके से गरीबों के बारे में, उत्थान के बारे में सोचा गया है वो आपको बताने आया हूं। आप बताइए, स्वच्छ भारत अभियान, मोदी जी ने कहा मैं स्वच्छ अभियान शुरू करूंगा लाल किले के प्राचीर से 2014 में, मुझे याद है। ये तो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए नेता है ना, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के, इन्होंने मजाक उड़ाया था, मखौल उड़ाया था और ये कहा था कि प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करता है, लाल किले से कोई और बात नहीं रहेगी थी करने को। मैं आपके सामने एक वाक्य बताना चाहता हूं। राम मनोहर लोहिया जी ने, जो हम सब के बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर हुए, उन्होंने 60 के दशक में पार्लियामेंट में भाषण दिया था जवाहरलाल नेहरू के सामने, जवाहरलाल नेहरू के नहीं, लाल बहादुर शास्त्री के सामने, कि मुझे शर्म आती कि भारत के महिलाएं गांव में जब मेरी जीत जाती है तो वो बेचारे अपनी दैनिक नित्य क्रम के लिए झुंड की झुंड के रूप में निकल करके खेतों की तरफ जाते हुए दिखती हैं। मुझे शर्म आती है, ये राम मनोहर लोहिया ने 60 के दशक में कहा था। और उस समय से लेकर 2014 तक किसी ने सुध नहीं ली और मोदी जी ने पिछले 7 सालों में 11 करोड़ इज्जत घर बना करके 11 करोड़ बहनों को इज्जत देने का काम किया, महिला सशक्तिकरण। आप सोचिए भैया बेटे, आप सोचिए कि 11 करोड़ बहनें, 11 करोड़ बच्चे अपने परिवार के, अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए घर से बाहर खेतों में जाते थे। और उत्तर प्रदेश में भी यह संख्या कम नहीं थी, यहां उत्तर प्रदेश में भी 1.5 करोड़ लोग, बहने इसी तरीके से जाती थी। और आज बदलती तस्वीर है, कोई गांव उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं रह गया जो खुले में शौच जाता हो। सबके लिए शौचालय घर बना के दिए है, तो मोदी और योगी जी ने किए, ये आपको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, विकास की एक नई कहानी, गरीब वंचित पीड़ित शोषित दलित, इसकी चिंता करने का काम किया। आप विकास की बात करें, अब मुझे बहुत गजब भी लगता है, आजकल उत्तर प्रदेश के लोग मेरे से मिलने आते हैं तो कहते हैं मैं 3 घंटे में आ जाऊंगा, मैं 4 घंटे में आ जाऊंगा, मैं 5 घंटे में आ जाऊंगा। मैं उनसे पूछता हूं कैसे आ जाओगे? ओ, एक्सप्रेस हाईवे पकड़ेंगे और आ जाएंगे, हाईवे पकड़ेंगे और आ जाएंगे, हाईवे पकड़ेंगे आ जाएंगे। ये हाईवे कहां था भैया? ये मोदी जी का क्यों इंतजार कर रहा था? आज पूर्वांचल एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस लिंक, अपना बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, हमारा गोरखपुर एक्सप्रेस वे, हर जगह एक्सप्रेस वे बन रहा है। और 4 लेन, 6 लेन, ये 6 लेन और 4 लेन बन रहा है, इसको समझना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं मित्रों, ये सड़क नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की विकास की गंगा की कहानी है, ये आपको याद रखना चाहिए। मित्रों, यहां पर मैं कुछ और आपसे गहरी बात करने आया हूं, और वह गहरी बात क्योंकि मैंने विकास की बात आपसे कर ली, आपको फर्क मैंने साफ दिखा दिया, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के लिए जो एक काले बादल की तरह मंडरा रहा है उससे आपको मैं सजग कराना चाहता हूं। ये काले बादल हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए नासूर है, ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए रोड़ा है। और मैं फिर कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं। बताइए, 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में माफिया राज था कि नहीं था? बताइए, 5 साल पहले लोग अपने दुकानें बंद करके 5-7 बजे के बाद चले जाते, दिल्ली चले जाते। बताइए, माताएं बहनें असुरक्षित थी कि नहीं थी? बताइए,
मुख्तार अब्बास, मुख्तार अंसारी, ये दंडनाता था कि नहीं दंडनाता था? आप बताइए, आतिक अहमद दंडनाता था कि नहीं दंडनाता था? आप बताइए, ये सारे लोग, ये आजम खान दंडनाता था कि नहीं दंडनाता था? आजकल ये तीनों के तीनों जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा कानून था जब ये दंड बना रहे थे, और कौन सा कानून था जो आज ये जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं? मित्रों, कानून एक था, पर उस समय राजा की आंखों में पट्टी बंधी थी। आज योगी राजा के कान आंख खुले हैं, और इसलिए ये जेल के अंदर है और आप बाहर बस्ती में घूम रहे हैं, ये हमको कानून लगता है। उस समय के राजा के आंखों पे पट्टी बांधी गई थी और बंधवाई थी। मैं ना देखूं करो मौत। मैंने तो सुना अखिलेश जी इन लोगों को साहब के नाम से संबोधित करते हैं। साहब, वाह वाह, वाह सपा, ये काले बादल आधे जेल से लड़ रहे हैं, आधे बेल पर है। मित्रों, आप बताइए, 5 साल पहले अखिलेश जी के राज में 200 दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे? आप बताइए, 300 और बंद हुआ था कि नहीं हुआ था? उत्तर प्रदेश कर्फ्यू लगा था कि नहीं 700 और? योगी जी के टाइम पर एक भी दंगा नहीं हुआ, और किसी की भी बंद कराने की हिम्मत नहीं है, और हर एक जुलूस ठीक से निकलता है कि नहीं निकलता है? विसर्जन ठीक से होता है देवी जी का कि नहीं होता है? परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है? ये है अंतर, वो है सूरज और ये है काले बादल। अब आपका काम है कि बादल को हटाओ, सूरज की रोशनी दो और विकास को आगे बढ़ाओ। इसकी हमको चिंता है। मित्रों, मैं यही नहीं रुकता हूं। आप बताइए, कैराना में 60 परिवार पलायन कर गए थे कि नहीं कर गए थे? और मुजफ्फरनगर दंगे में 92 लोग मरे थे कि नहीं मरे थे? और मुजफ्फरनगर में मरने वाले, मुजफ्फरनगर में दंगा कराने में जो मुख्य अभियुक्त था, उसको एरोप्लेन से अखिलेश ने अपने घर में निमंत्रण दिया था कि नहीं दिया था? वो गया था कि नहीं गया था? उसको बिरयानी खिलाई थी कि नहीं खिलाई थी? अब चुनाव वाले दिन आपने भी इन लोगों को अच्छे तरीके से इनकी सेवा करनी है, मुंह तोड़ जवाब देना है, ये हमको समझना पड़ेगा। और मैं फिर यही नहीं रुकता हूं। अभी अभी मुझे पता चला, मैंने परसों रात को टीवी ऑन किया तो देखा हमारे अखिलेश जी अपने पूज्य पिताजी के साथ बड़े दिनों बाद दर्शन हुए उनके। कहां दर्शन हुए? करहल में। इसका मतलब अब अखिलेश जी आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना छोड़ दिया, अब आपको मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद की जरूरत, करहल की धरती पर पड़ गई। देखो, ये राजनीतिक दृष्टि से ये समझने की बात है कि घर ही हिला हुआ है तो उत्तर प्रदेश की क्या बात करूं? क्या जरूरत पड़ी आखिर मुलायम जी को वहां करहल जाने की? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि घर हिल गया है, हिल गया है। और अब वो चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं लड़ रहे हैं, अब तो करहल का चुनाव लड़ रहे हैं, घर की सीट का चुनाव लड़ रहे हैं। इसको भी हमको याद करना चाहिए, उसको भी हमको समझ करके ही चलना चाहिए। मित्रों, मैं आपके साथ 3 घटनाएं बताना चाहता हूं। मैं सारी बातें आंकड़ों के साथ लेके आता हूं, और मैं यहां पर मीडिया को ओपनली चैलेंज करता हूं, मेरी बात को नोट करना, और मेरी बात को अखिलेश जी जब यहां पर उनका पदार्पण हो, जब वो साक्षात यहां पर दर्शन हो उनके, तो उनसे मेरी तरफ से सवाल पूछ लेना। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि 23 फरवरी 2005
23 नवंबर 2007 याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में 3 बम ब्लास्ट हुए थे कचहरी में। एक अयोध्या की कचहरी में बम ब्लास्ट हुआ था, एक लखनऊ की कचहरी में बम ब्लास्ट हुआ था और एक वाराणसी की कचहरी में बम ब्लास्ट हुआ था। 3 बम ब्लास्ट हुए थे, 15 लोग मारे गए थे और 50 लोग घायल हुए थे। 15 लोग मारे गए थे, 50 लोग घायल हुए। इसका जिम्मेवारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी और इंडियन मुजाहिदीन ने कहा कि यही नहीं, हमने इसके साथ साथ दशाश्वमेध घाट पर भी ब्लास्ट किया था 23 फरवरी को, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। श्रमजीवी ट्रेन पर भी हमने ब्लास्ट किया था जिसमें 13 लोग मारे गए थे। नई दिल्ली के सरोजनी नगर और गोविंदपुरी और पहाड़गंज में भी हमने बम ब्लास्ट किया था जिसमें 62 लोग मारे गए थे। हमने संकट मोचन वाराणसी में भी ब्लास्ट किया था जिसमें 28 लोग मारे गए थे। हमने मुंबई के लोकल ट्रेन में भी ब्लास्ट किया था जिसमें 209 लोग मारे गए थे और इसमें यूपी के एसटीएफ ने और एनआईए ने मिल करके स्पेशल टास्क फोर्स ने हाकिम तारिक कासमी, जो आजमगढ़ का रहने वाला था, और इसके साथ साथ खालिद मुजाहिद जो जौनपुर का रहने वाला था, इन दोनों के खिलाफ केस मुकदमा दायर किया। इन सब ब्लास्ट को लेकर ये सारे ब्लास्ट कचहरी से लेकर दशाश्वमेध घाट से लेकर बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट से लेकर सरोजनी नगर के ब्लास्ट से लेकर के सारे ब्लास्ट के लिए इनको दोषी पाया गया। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि 26 अप्रैल 2012 मेरी डेट नोट कर लेना, बाकायदा उत्तर प्रदेश के बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने केस को वापस लेने के लिए हुक्म जारी किया और केस को विड्रॉ कर लिया। आतंकवादियों के खिलाफ केस विड्रॉ हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा आप ये केस वापस नहीं ले सकते हैं, इस केस पर मुकदमा चलेगा। इसी दौरान एक गोरखपुर में गोलघर बम ब्लास्ट हुआ, उसमें भी इन दोनों का नाम आया, वह भी केस जुड़ा, उससे भी अखिलेश जी ने इनको बरी कर दिया। हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस चलाया और गोरखपुर के स्पेशल कोर्ट ने इनको 4 जिंदगियों तक आजीवन कारावास दिया, 4 जिंदगियों तक। मैं जानना चाहता हूं अखिलेश जी, ये जो काले बादल मैं आपको बता रहा हूं, क्या ऐसे लोगों को आप रक्षा के लिए लाओगे, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाओगे? मैं पत्रकार भाइयों से बताना चाहता हूं कि अगले जाए तो पूछना, क्या ऐसे लोग मुख्यमंत्री बनेंगे जो रक्षक ही भक्षक बन जाए? अभी परसों अखिलेश जी ने कहा बीजेपी वाले संविधान को नहीं मानते। अरे तुमने शपथ ली थी कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, लेकिन तुम्हारे कर्तव्य बताते हैं कि तुमने क्या किया। तुमने शपथ ये ली कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं आतंकवादियों की रक्षा करूंगा, ये काम तुमने करते थे। यही नहीं, रामपुर में 31 दिसंबर और 1-1-2008 एक बजे रात को रामपुर में AK-56 से CRPF के कैंप पर AK-56 राइफल से हमला किया इंडियन मुजाहिदीन के लोगों ने और लश्कर-ए-तैयबा ने। 7 लोग मारे गए, 7 हमारे पुलिस CRPF के जवान मारे गए, 7 माताओं के गोद सूनी हो गई, 7 बहनें विधवा हो गई, 7 परिवार के बच्चे अनाथ हो गए। किसी ने सुख दे ली, एनआईए ने पकड़ करके निकाला तो इंडियन मुजाहिदीन का और हरकत उल इस्लामी का जो कमांडर इन चीफ था शहाबुद्दीन बिहार का रहने वाला, वो पकड़ा गया, उसके खिलाफ मुकदमा चला, उसके कारण 7 लोग पकड़े गए। अखिलेश जी ने यही 23 अप्रैल 2012 को शहाबुद्दीन को भी ये कहकर के छोड़ दे दिया कि सामाजिक सद्भाव रखने के लिए मैं शहाबुद्दीन को बरी करता हूं और उनके खिलाफ केस विड्रॉ करता हूं। ऐसे हैं ये लोग। और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ये आप नहीं कर सकते,
इनके खिलाफ भारत के कानून के तहत आरोप लगा करके मुकदमा चलेगा। और आपको जानकर के खुशी होगी कि गोरखपुर के हाईकोर्ट ने, बनारस के हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने इनको 4 लोगों को सजाए मौत और 3 लोगों को आजीवन कारावास दिया है। ये हमको ध्यान में रखना। इसलिए मित्रों, एक तरफ योगी जी है जो आपकी रक्षा के लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, और एक तरफ ये अखिलेश जी लोग हैं जो खान साहब को, फलाने साहब को, अंसारी साहब को, इनको प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, ऐसे लोगों को आप समर्थन देंगे क्या? ऐसे लोगों को आप समर्थन देंगे क्या? मित्रों, ये मैं सुल्तानपुर में यहां बैठे लोगों को, माताओं बहनों को सिर्फ नहीं कह रहा हूं, आपके माध्यम से सुल्तानपुर के हर विधानसभा के लिए मैं अपील कर रहा हूं कि आप इन सब लोगों को आप चुनाव जिताएं। ये राष्ट्रवाद का रास्ता है, ये विकास का रास्ता है, ये आगे बढ़ने का रास्ता है, और समाजवादी पार्टी का रास्ता विनाश का रास्ता है, अपने ऊपर काले बादल छाने का रास्ता है। ये आपको ध्यान में रखना है।